नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम हो गया है, 2 हफ्ते से ऊपर हो गए। काफ़ी मैसेज भी आ रहे हैं मुझे कि आप कहाँ हो, ठीक हो, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आए हैं। वो तो आपको पता ही है, खैर कि मेरी अब शादी को 2 हफ्ते भी नहीं रह गए। एंड जब आप अकेले होते हैं तो काफ़ी सारे प्रिपरेशन आपको करनी पड़ती है, अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। तो अब शादी है, बहुत अब समझ में आया कि शादी की तैयारियाँ एक्चुअल में काफ़ी टफ होती हैं। बट जैसे ज़िंदगी में हर चैलेंजेस को पार किया है, ये तो फिर एक लाइफ का एक बड़ा मोमेंट है। तो काफ़ी एक्साइटेड हैं, प्रिपेयर्ड हैं। एंड चलिए, शादी तो खैर 2 हफ्ते में हो ही जाएगी। वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही थी बिकॉज उतना एडिटिंग वगैरह का टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। काफ़ी सारी हेल्प्स मैंने की है, तो कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियोज़ अपलोड करूँ। एंड जिन जिन की हम दुकानें खुलवाते हैं तो उनका फॉलोअप भी मैं कर लेता हूँ, लेकिन अब नए केसेस ही हमारे पास इतने आ जाते हैं कि पुराने फॉलोअप करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिंस आप लोग डिमांड करते हैं तो चलिए फॉलोअप का एक वीडियो डालता हूँ मैं। 2 लोगों का फॉलोअप दिखाऊंगा उसमें, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो भी फिर ज़्यादा लोग देखते नहीं है। तो देखिए, बिकॉज लाइफ में लोग अच्छा कर रहे हैं, हमारे एक छोटे से चेंज से किसी की ज़िंदगी पूरी बदल रही है, तो इससे बड़ी बात क्या है। तो एक बार छोटा सा हिस्सा आप देख लेना, जब हम पहले उनसे मिलने गए थे तो क्या सिचुएशन थी, उसके बाद अब क्या सिचुएशन है, और उसी सीक्वेंस में डिस्क्रिप्शन पे आपको पूरा वीडियो भी मिल जाएगा उनका पिछला वाला, तो आप वो भी देख सकते हो। सो एंजॉय कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। एक जरिया हम लोग देते हैं कमाने का, क्योंकि वो परेशानी में होते हैं, तो आप रोजगार लीजिए और अपना जिंदगी को सुधारिए और आगे बढ़िए। तो वैसे ही फॉलोअप की सीरीज शुरू करते हैं, दिल्ली से लेकर यूपी कई जगह पे हम लोग जाएंगे। बहुत मेहनत लगेगी वीडियो बनाने में, तो जितना हो सके वीडियो शेयर करें। हम चलते हैं, अपना फॉलोअप शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने दिल्ली में गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के बाहर चंदन भैया हैं एक हमारे, उनका हमने शॉप खुलवाई थी, उनसे मिलने चलते हैं। और डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा पुराने वीडियो का, जिस सीक्वेंस में खुलवाई है वो सब आप देख सकते हो। चलिए गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन चलते हैं। पहला फॉलोअप जिनका है, फॉलोअप देखने से पहले एक बार आप पिछले टाइम की कंडीशन देख लो। जब इनसे हम पहली बार मिलने गए थे, जब इनको रोजगार दिया था, उस समय इनकी क्या सिचुएशन थी, एक बार आप वो देख लो। बाकी पूरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, और ये वीडियो देखने के बाद फिर हमने इनकी दुकान खुलवाई थी, तो उसके बाद फॉलोअप देखना। पहले कंडीशन देख लो, पहले क्या थी। घर वाले बोलता भाई, हमारे दोनों भाई ने बोला एक काम कर, अब तो जो होना था हो गया, जहाँ भीख मांगना भीख मांगो, जो करना करो। 1.5 लाख रुपये करीब कर्जा था, यहाँ तक वाइफ की मंगलसूत्र मैंने लगा रखा है गिरवी। हाँ जी, अब मैं इससे बड़ी बात अब क्या कह सकता हूँ, उसकी रिसीद भी है सर। किडनी में भी सूजन है उनके, ट्रेन से गिर गया था सर। गिरे है ना, जब से खून निकल गया दांत से पूरा, बहुत ज़्यादा ये पूरा अंदर सिलाई, यहाँ तक सिलाई पड़ा पूरा। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ सर, आज के डेट में 2 पेड़ वाली की वाइफ नहीं रहती है, और मेरी तो सर कंडीशन ही खराब है। अभी हमसे क्या हेल्प चाहिए आपको? सर मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए कि मेरा एक रोजगार हो जाए, कम से कम मेरा दाल रोटी चलेगा। मुझे ज़्यादा इनकम नहीं चाहिए, इसके मेरा बच्चों का फीस निकल जाएगा, घर का खाना चल जाएगा, प्लस थोड़ा सा क्या है कि मेरे को इससे राहत मिल जाएगी। सो ये सिचुएशन थी उनकी। अब चलते हैं उस टाइम पे दुकान जो दी थी, कैसा कर रहे हैं लाइफ में वो। यही है ना? हाँ ये, अरे वाह, इन्होंने तो पूरा मॉडर्न बना दिया जी, ये देखिए लग्जरी दुकान बना दिया उन्होंने। क्या लग्जरी दुकान? लग्जरी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास की इन्होंने पूरा लोहे का बना दिया ये। सर जी पानी मिलेगा क्या? पिलर नंबर 168, चंदन जी की दुकान, देखिए कितनी बेहतरीन बना दी है। इसे कहते हैं काम को आगे बढ़ाना, मॉडिफिकेशन, एक प्रॉपर सेटअप बना दिया देखो। नहीं आज आज पूरा लज्जगरी बना दिया, पूरा लज्जगरी। तो ये भी आप ही कहेंगे? ओह, ये भी आप ही कहेंगे है? वाह जी वाह, कंटिन्यूस मेट्रो के पास है तो कंटिन्यूस ऑफ कोर्स सेल है, ब्यूटीफुल। काम को आगे कितना बढ़ाया है इन्होंने, स्टील वाला है। हाँ देख रहे हो, मतलब लोग रुक के कंटिन्यूसली रुक रहे हैं एकदम। और किसी को भी इनसे मिलने आना हो, ये सामने है पिलर नंबर 168 गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन, पिलर नंबर 168। ये देखिए एकदम कस्टमर कंटिन्यू है, तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। कैसे हैं आप? सही सर, आपके आशीर्वाद से चल रहा है, और
मेरा आशीर्वाद है, आपकी मेहनत से हो रहा है सर। वो तो आपने दिया ना सर, मेहनत मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन आपने जो मेरे को रोजगार दिया, मैं तहे दिल से, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में इस टाइम पढ़ रहे हैं, बट उन्होंने मेरे को जो किया, और सबसे पहला तो जरिया आप हमारे लिए, मैं तो उनको नहीं जानता, लेकिन आपके थ्रू ही उनसे मेरे को जो भी मिला। मैं कालका मैया से कहता हूँ कि आपको लंबी उम्र दे, और आप देखे रहे सर, छोटा सा दुकान से मैंने बड़ा दुकान कर लिया, बहुत बड़ा दुकान, और पूरा कस्टमाइज किया, स्टील का मजबूत कर दिया है कि इसका आपको लाइसेंस मिला है? हाँ मिला है। देख रहे हो अभी कितनी शानदार दुकान है, काम को कितना आगे बढ़ाया है इन्होंने। देखो ये जो खोखा था, और कितना आगे बढ़ाया है। थोड़ा बताइए ना किस तरीके से आपको बिजनेस चल रहा है, सेल कितनी होती है? अच्छा एक ग्राहक होना कंटिन्यूस सेल है भाई। हाँ सेल कितने की होती है सेल? हमारा पट्टे का सेल हमारा आ जाता है 7-8 हज़ार रुपये का रोज का। 7-8 हज़ार रुपए की सेल आपकी? 7-8 हज़ार रुपए की सेल मायने रखती है। और आपको सेल में अगर सहयोग देना है तो ये भैया का बार कोड है, चंदन नाम है, ऑनलाइन भैया को कुछ सहयोग देना है दे सकते हो, बदले में आपको सिर्फ दुआएं मिलेंगी, बाकी सामान कुछ नहीं मिलेगा। क्यों सेल मेरा शुरुआत सेल कितनी हो रही थी? शुरू में तो मेरा 500 का सेल था, ज्यादा नहीं था। तो उसके बाद फिर मेरा जैसे धीरे धीरे मैंने जमाया स्टील का, ये मतलब ये पूरा अलग बनाया आपने? हाँ ये इसका 1180 किलो वेट है। अच्छा आप मेहनत कर रहे हो ना। ये है कि मैं सुबह 7 बजे खुलता हूँ। कितने बजे? हाँ कितने बजे आते हो? मॉर्निंग 7 बजे आता हूँ। अच्छा फिर कितने बजे? और मेरी वाइफ आती है और वही बेचारी खोलती है, पूरा माल लगाती है, और फिर रात की मैं 10-10:30 बजे यहाँ। हाँ इनकी वाइफ बहुत सपोर्टिव है, जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वही आपको बिठा देती है। कुछ हेल्प किया मैं और मेरी पूरी परिवार, उनको भगवान बहुत लंबी उम्र दे, जिन्होंने मेरे को रोजगार दिया। मैं बाकी में बहुत परेशान था, और कम से कम 4-5 साल से काफ़ी परेशान था, घर वालों ने भी छोड़ दिया था मुझे, सिर्फ आप लोगों की मेहनत से। आप मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी, आपके जरिए से उन्होंने जो भी दिया, जिन्होंने भी दिया, काफ़ी टाइम से भैया बुला भी रहे मुझे फॉलोअप के लिए। मैंने काफ़ी टाइम से रोज करते हैं कि आओ मिलने, हमको टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जिनको दुकान देते हैं अच्छा करते हैं। सेल 7-8 हज़ार रुपये की सेल होती है, लोग आते हैं रुकते रहते हैं, मेट्रो के पास है, किसी को मिलने आना तो कहाँ है आपसे मिलने? ये हमारे गोविंदपुरी मेट्रो है, नियर चांदी वाला हॉस्पिटल, और हमारा ये पिलर नंबर 168 यहाँ पे, पिलर नंबर 168 ये दुकान है। देखो गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन है ये कौन सा गेट, कौन सा है? एक नंबर, ये एक नंबर गेट है मेट्रो स्टेशन का, गोविंदपुरी का गेट नंबर 1 है ये, उसके सामने आओगे पिलर नंबर 168। वाइफ भी आ रही है? आपकी वाइफ भी आ गई? वाह वाह वाह, सोने पे सुहागा। कुछ लेंगे तो जी खाएंगे? आप नहीं, पानी दीजिए हमें, पानी दे दो आप, पानी ठंडा आए हैं तो हम पानी पी के जाए आपकी दुकान में। चलती रहती कंटिन्यूस सेल। तो ये भी लाए हो क्या आप दिवाली के लिए? दिवाली के लिए लाया हूँ, अभी जब उनसे मिल रहे हैं तो दिवाली का टाइम आ रहा है, मतलब अब मैं वीडियो कब जाएगी मुझे वो नहीं पता, पर आज का डेट है, आज 28 अक्टूबर है ना, आज तो दिवाली 12 तारीख को है, 12 नवंबर को है, और इनकी वाइफ भी आ गई। आइए जी, बस आप ही की कमी थी यहाँ। बहुत बढ़िया है, दोनों हस्बैंड वाइफ एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो देख के अच्छा लग रहा है। चीज देना एक चीज होती है, उसको आगे बढ़ाना। बहुत मेहरबानी आपकी, आज हम लोग ये सब कर पाए सिर्फ तो सिर्फ आपकी बदौलत, आपने हमारा साथ दिया, इसीलिए हम आज इस मुकाम पर पहुंचे। चीज तो हम देखो काफी लोगों को देते हैं, उसको आगे बढ़ाना, एफर्ट करना, रोज काम करना। आपको वादा किया था, मैंने कहा सर आप थोड़ा सा मेरे को हेल्प कीजिए, और आपने जो मेरे को हेल्प किया, मैंने आज देखो इतना लिमिट लिया, बहुत मेहनत की है। हाँ थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा अगर मेरा लाइट लग जाएगा ना, मेरा लाइट की वजह से दिक्कत हो रहा है। क्या होता है लाइट, मतलब क्या? लाइट वाले बोल रहे हैं कि 48,000 जमा करने, वो लाइट का ना उसका खंभा उधर है, तो एक्स्ट्रा फ्रिज हमारे पास आ चुका है, मैंने घर पे रखा, यहाँ तो फ्रिज भी लिया है उसके साथ साथ, लाइन भी दिया है। अच्छा पेप्सी वाले ने, पेप्सी वाले ने ऐड के लिए बोला था, तो मैंने कहा मेरे को क्या दोगे, कह रहा मैं आपको फ्रीज दूंगा,
और आपको माल दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, वो कह रहा आप लाइट लगवा लो, मैं आपको ऐड भी करूंगा, पूरा रंग पेंट करूंगा बढ़िया से। अच्छा, पेप्सी कंपनी वालों ने आपको फ्रिज प्रोवाइड किया है और लाइट कह रहे हो मेट्रो स्टेशन से लाइट आएगी आपके पास। 12,000 तो नॉर्मल लगता है, मीटर मीटर लग कमर्शियल मीटर। अच्छा, आपको लाइसेंस तो मिल चुका है? हां हां, लाइसेंस का परमानेंट दुकान का लाइसेंस मिल गया, फिक्स हो गया सर। तो बहुत बढ़िया बात है भाई, आपने लाइसेंस में तो मेरे को पूरा मदद किया था एक्चुअली। आप पूरा आप ही की मदद है और नेताजी भी हमारे। अब आपको आगे हेल्प करनी है लोगों की। हां सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस मैं आप भी यहां पे दुकान में साथ में बैठते हो? हां सर, सुबह साढ़े सात से रात के 11 बजे तक होते हैं। सातों दिन एवरी डे संडे को थोड़ा लेट खोलते हैं क्योंकि छुट्टी होती है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और अपना काम होता है तो बंदा नौकरी से ज्यादा काम भी करता है। अपना काम है तो जितना ज्यादा बैठेगा उतनी कमाई होती है। थोड़ा सा मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे को लाइट इंपोर्टेड है थोड़ा सा, अगर उसमें हेल्प हो जाए और आगे बढ़ाओ। भैया आपने इतना देखो, इतना कारोबार किया है, ये लाइट लग गया तो भैया मैं दिवाली में ना मैं अच्छा कमा लूंगा। लाइट का जो है ना चांदनी चौक से लाके ना, अच्छा यहाँ पे मार्केट नहीं है तो यहाँ पे अच्छा मांग रहे लोग। ये भी हमने लाया था भैया 5,000 रुपए का। यार भैया फोन उठा रहे हैं, मैसेज करता रहा, मैं तो कॉल भी कर रहा हूँ सुबह शाम रात को 12 बजे भी। आपके साथ हजारों और भी लोग लगे हुए हैं, पता है। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मैं आपको बड़े भैया मान के मतलब जो मर्जी समझ लो, ये एहसान तो जो है मैं भगवान कसम कह रहा हूँ बहुत लंबी उम्र रहेगा। माता रानी के 100 साल, आपकी मम्मी को भी बहुत लंबी उम्र दे, हमारे भाई साहब को भी, और जिन्होंने मेरे को मदद किया भगवान उसको सब दिन खुश रखे, कभी कोई दुखी ना हो। उनका डोनेशन सफल हो जाता है अगर बंदा मेहनत करके आगे बढ़ता है। दो चीज लेके घर बैठ जाओ तो फिर बेकार होता है ना, यही देख के हमें अच्छा लगा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग करिए काम, हम आगे किसी और का फॉलोअप लेने चलते हैं। ठीक है, मेहनत करते रहिए ऐसे। सो ये शॉप है, देखिए गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पिलर नंबर 168 चंदन भैया की दुकान। बड़ी प्रॉपर दुकान, काम को आगे बढ़ाया है, बता रहे 96,000 रुपीज ऊपर से खर्च किए दुकान को बड़ा करने में और स्टील का पूरा लोहे का कर देने में। तो ये है, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। देखिए एक परिवार की जिंदगी चल रही है, 7-8 हजार की सेल हो रही है, मायने रखता है, काम कर रहे हैं। देखो कंटिन्यूस लोग आते हैं, रुकते हैं दुकान पे, दुकानदारी चल रही है और लोग मेहनत करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं फॉलो बहुत ज्यादा कर नहीं पाता हूँ, लेकिन जिनको दुकान दे रहे हैं अच्छा काम करते हैं। अब बढ़ते हैं से नेक्स्ट फॉलो। अब हम लोग यूपी में बिसौली आए हैं, यहाँ पर हमने भैया की शॉप खुलवाई थी, तो उनका देखते हैं कि वो अपनी लाइफ में कैसा कर रहे हैं, फॉलोअप करते हैं। सो चलते चलते अहरौली पहुंच गए हम, जहाँ पे भैया की दुकान लगाई और बिना बताए एकदम पहुंच रहे हैं, उनको भी सरप्राइज मिलेगा। सो पहले हम जब इनसे मिले थे, जब इनकी दुकान हमने खुलवाई थी, उस वक्त क्या सिचुएशन थी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ और एक बार आप ये देख लो, उसके बाद फॉलोअप करेंगे। पैर पीछे की ओर पूरे मुड़े हुए हैं, घुमा हुआ। अच्छा, ये भी देखिए यहाँ पे एक चूल्हा है बस, यहाँ पे नथिंग एल्स, दिस इज वेयर ही लिव्स। नीचे सोते हैं पूरा एकदम। मम्मी पापा नहीं है आपके? ना, मम्मी माँ बाप नहीं है? रोटी की सबसे बड़ी परेशानी, कभी इसके घर खा लेते हैं, कभी उसके घर खा लेते हैं, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी ऐसी शादी शादी नहीं हुई, शादी फादी। कितने साल के हैं आप? 30-32 साल के होंगे। अच्छा, माँ बाप नहीं है, शादी भी नहीं, बिल्कुल अकेले हो एकदम? अकेले। अच्छा, कभी किसी के घर रोटी मिल गई? कभी घर, कभी किसी घर, और गैर खाए सो गए, बिना खाए कभी नहीं मिली तो? हाँ, नहीं। अब रोज शर्म लगती है सर किसी के, बार बार जाओ। सही बात है। सो ये इनकी सिचुएशन थी और हमने इनकी दुकान खुलवाई थी, इसके बाद अब देखते हैं फॉलोअप के टाइम कि ये कैसा कर रहे हैं लाइफ में। दुकान की लोकेशन थोड़ी लेफ्ट पे कर दी इन्होंने, इधर कर दी है, दुकान लगी है लेकिन मंदिर के यहाँ। नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार। आज तो अरे नहीं, पैर पैर वैर नहीं, चलो चलो आओ 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 जी। बहुत बढ़िया जी, आपने तो काम को आगे बढ़ा दिया। ये क्या कुल, ये क्या हवा हवा भरने का भी है क्या? साइकिल पंचर, मोटरसाइकिल पंचर। अच्छा, टायर वायर भी है अंदर। और ये क्या है? नहीं, ये नीचे लोहा सा क्या है? ये पन्ने के हैं साइकिल के। अच्छा साइकिल, अरे बाप रे, ये काम भी स्टार्ट कर दिया हमने, गजब है, वेरी नाइस। आइए अपनी गद्दी पे बैठो, गद्दी पे बैठो, ऊपर चलो। वाह, देखिए उन्होंने तो काम को आगे बढ़ाया है, विच इज़ वेरी नाइस टू सी। सामान लेना है कुछ?
ये बाइक में हवा डालने का। हाँ, मोटरसाइकिल में हवा डालने का। क्या है? पंप। अच्छा, हवा डालने का मोटरसाइकिल में पंप। हाँ। वाह भाई साहब, ये सब काम पहले से आता था या फिर बाद में किया? अभी दो महीने दुकान पर दी थी पहले। अच्छा, कितना टाइम हो गया दुकान खोल? कब दी थी हमने? 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन। अरे वाह, याद है आपको डेट भी? करीब 1-1.5 महीना हुआ है शायद। वाह बढ़िया चल रहा है। कैसा चल रहा है फिर आपका? हाँ, दुकानदारी सही हो रही है। बढ़िया हो रही है, मेहनत करने से तो हो गई। अब मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, काम को आगे बढ़ा रहे हो, तो हो गई। हाँ, ये देखो बारकोड सब सेट कर रखा है भैया ने अपना, एकदम बढ़िया एकदम। ये सब भी है कुछ कुछ, काम को इन्होंने दिमाग लगा के आगे बढ़ाया है। मोटरसाइकिल ट्यूब वगैरह है। अच्छा, मोटरसाइकिल की ट्यूब व्यूब भी है एकदम सब इन्होंने। एक दिन की कितनी सेल हो जाती है? 2000-1500-1800 चलो कम से कम घर बैठे रहने से तो बेहतर है ना। चलिए, आपके गले में लक्ष्मी माता ऐसी बरसती रहे। नमक अमक किस हो रहा है क्या आपने? नमक अमक भी रख लिया आपने, किराने टाइप का भी, फैन मैन भी है। चलिए बहुत बढ़िया है, देख के अच्छा लगा। राम राम, अच्छा लगा देख के, बढ़िया है जी। यहाँ से चले हम, चले बाय बाय। चलो फिर सर, फॉलोअप वीडियो और भी हमने फॉलोअप किए हैं, लेकिन अब एक ही वीडियो में सारे डाल दूंगा तो वीडियो एक्सट्रीम लंबी हो जाएगी। लेकिन आपने देखा, जिन लोगों को भी हम दुकान दे रहे हैं, सब अपने हिसाब से, दिमाग के हिसाब से कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई दुकान मॉडिफाई कर रहा है, कोई सामान अलग टाइप से बेच रहा है, मतलब। लेकिन ये है कि हर इंसान की जिंदगी कट रही है एंड एक जरिया मिल गया कमाने का। पहले तो घर बैठे हैं, दिव्यांग हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा, फिजिकल वर्क कुछ कर नहीं पा रहे, अब अपना आराम से दुकान में बैठ के काम कर लेते हैं। और जब इंसान काम करने बैठता है तो अलग अलग आइडियाज आते हैं, लोग उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं कि गोविंदपुरी में भैया की 7-8 हज़ार रुपए की दिन की सेल हो रही है। कोई कुछ तो अपने हिसाब से लोग ऐसे ही है, थोड़ा यूपी में है, गांव में है, तो इनकी भी 2000 रुपए की दिन की सेल हो रही है। लेकिन हर इंसान का घर चल रहा है, मेन बात ये है उनको एक जरिया मिल रहा है कमाने का। तो वीडियो शेयर करते रहिए और आप लोग भी आगे आइए ताकि लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यूएबल चेंज आए लॉन्ग टर्म के लिए। वन टाइम हेल्प से बेहतर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, जय हिंद।